स्वागत है दोस्तों आप सभी का भारत दस्तक पे। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है भीम आर्मी के चाहने वालों के लिए और चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों के लिए। दोस्तों भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को देवबंद से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो थी उनकी गिरफ्तारी की खबर, लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है उनके चाहने वालों के लिए और भीम आर्मी के समर्थकों के लिए कि चंद्रशेखर आजाद की तबीयत बिगड़ चुकी है और उन्हें मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों हम लोग आपको सारी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये चंद्रशेखर आजाद की लाइव तस्वीरें हैं। उनकी हालत अभी भी ठीक नहीं है और वो अस्पताल में आनंद अस्पताल में भर्ती है। दोस्तों देवबंद के अंदर चंद्रशेखर आजाद का यानी कि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद का एक कार्यक्रम था। वो वहां पर एक बाइक रैली, कहे तो एक पदयात्रा और एक रैली निकाल रहे थे। इसी बीच में उनको देवबंद पुलिस ने वहां पर गिरफ्तार कर लिया। देवबंद पुलिस ने तर्क दिया है भीम आर्मी के संस्थापक को गिरफ्तार करने के बाद कि चंद्रशेखर आजाद ने धारा 144 और आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आचार संहिता वही होती है दोस्तों, अभी हमारे देश में चुनाव होने वाले हैं तो हमारे देश में आचार संहिता लग चुकी है। इसका उल्लंघन और धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि इस चीज का उन्होंने उल्लंघन किया है, ये बातें कही है देवबंद पुलिस ने। देवबंद पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को कासमपुर से गिरफ्तार किया है। दोस्तों गिरफ्तार करने के बाद चंद्रशेखर आजाद को एक स्कूल में रखा जाना था, लेकिन अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और काफी ज्यादा बिगड़ गई। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद जी को मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। मेरे पास उनका एक वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ कि उनकी तबीयत किस हद तक बिगड़ गई थी। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देख लिया होगा कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की हालत अच्छी नहीं दिख रही थी उसमें। दोस्तों ऐसे कई सारे वीडियो से, दोस्तों एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें कमल वालिया जो भीम आर्मी की ही मेंबर है, उन्होंने वीडियो में बताया है कि ये शासन प्रशासन यानी कि पुलिस और शासन प्रशासन की तानाशाही है। इस तरीके से रैली को रोका गया है और बेमतलब में चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार करा जा रहा था, क्योंकि दोस्तों अभी तो गिरफ्तार किया नहीं गया है क्योंकि उनकी हालत तबीयत बिगड़ गई थी इस कारण से। और दोस्तों भीम आर्मी के जो मेंबर है कमल वालिया, उन्होंने कहा है कि हमें इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, शासन प्रशासन हमें डराता रहेगा। लेकिन जो 15 मार्च को माननीय काशीराम साहब, अगर आप नहीं जानते हैं काशीराम साहब कौन तो मैं बता दूं, काशीराम साहब ने ही बीएसपी बनाई थी, बामसेफ बनाई थी और जो कह सकते हैं कि बीएसपी को इतने ऊपर पहुंचाने का काम काशीराम साहब ने ही किया था। दोस्तों उनकी 15 मार्च को जयंती है, उनका बर्थडे है, आसान भाषा में बोलूं तो उनका बर्थडे है। दोस्तों 15 मार्च काशीराम जयंती के अवसर के ऊपर भीम आर्मी दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली करने वाली थी जिसका नाम था बहुजन हुंकार रैली। दोस्तों इस रैली के लिए क्या बोलते भीम आर्मी पूरे यूपी में, जैसे कि एक कॉमन से एग्जांपल देकर आपको बताऊं तो देवबंद से मुजफ्फरनगर सारी रैलियां कर रही थी और सारे सबको संदेश दे रही थी। और इस रैली का जो समापन है वो दिल्ली में होने वाला था 15 मार्च को काशीराम जयंती के अवसर पर, और इसी रैली का नाम था बहुजन हुंकार रैली। दोस्तों आपको एक जरूरी बात मैं और बता देता हूँ, चंद्रशेखर आजाद ने गिरफ्तार होते समय कहा था कि 15 मार्च को दिल्ली के अंदर भोजन हुंकार रैली होकर रहेगी, यानी वो गिरफ्तार हो जाए या नहीं भी हो, जो कुछ भी होता है लेकिन भोजन हुंकार रैली होकर रहेगी 15 मार्च को दिल्ली के अंदर काशीराम जयंती के अवसर पर। यही बातें कमल वालिया ने भी कही थी और यही बातें कई सारे भीम आर्मी के मेंबर भी कह रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, उनको दिल्ली के एम्स भी भेजा जा सकता है, ऐसी खबर सुनने में आई है। इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है अभी दोस्तों, जो कोई भी जानकारी होगी सबसे पहले आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करिए भारत दस्तक को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।